तो दोस्तों स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं अब तक जो भारत के गणतंत्र दिवस परेड हुए हैं उसमें हम मुख्य अतिथियों के बारे में सामान्य ज्ञान के प्रश्न लाए हुए हैं। यह जीके प्रश्न होगा या किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ हम आप सभी के लिए एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाले हैं और एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिस आपको एग्जाम के लिए की बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बारे में हम आपको जल्द ही अनाउंस करेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न है आप सभी को मैं बता देता हूँ जो इस साल से रिलेटेड है 2020 के गणतंत्र दिवस से। साथ साथ मैं आपको बता दूं अगर आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो से आपको टेलीग्राम के जरिए या अन्य माध्यम के जरिए या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के जरिए हम आपको इस तरह की पीडीएफ भी उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है वह दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख सके। अब आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहला प्रश्न देखते हैं। वह है 26 जनवरी 2020 को भारत में गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि कौन होगा। कौन होगा दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि जब हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी की ब्राजील की यात्रा हुई थी तो उस समय ब्राजील में भारत में क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया था हमारे 2020 के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आप याद कर लें और किस देश के हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर आपका बी है, इनका नाम है राष्ट्रपति जो है जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, बोल्सोनारो जो है ये वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के और इन्हीं को इस बार 2020 का मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। इसे आप याद रख लें, ब्राज़ील के हैं जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, अगला देखते हैं। दो नंबर जो प्रश्न है आप सभी के लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए सिद्ध होगा। तो देखिए दो नंबर प्रश्न है, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए इसमें दिया 1950 में जब भारत गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया था तो उसमें प्रथम बार मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन सही है। तो उसमें मैं आपको बता दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें हमारी इंडोनेशिया से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी थी और इसीलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको आमंत्रित किया गया था। तो ये राष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति जो कहें सुकर्णो, उनका नाम था सुकर्णो, ये वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे इंडोनेशिया के, इन्हें आमंत्रित किया गया था, देश का नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, अगला हम चलते हैं देखते हैं तीन नंबर जो प्रश्न है आप सभी के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लग रही हो तो लाइक करते चले, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि अगर जितना ज़्यादा वीडियो पे व्यू आता है लाइक आता है तो उसी साथ हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, कंटिन्यू बनाते हैं और नहीं तो फिर डिले होने लगता है। तीन नंबर जो प्रश्न है वह 26 जनवरी 1958 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो कौन थे दोस्तों ये आपको बताना है 26 जनवरी 1958 को। तो देखिए ये किस लिए पूछा गया है ये आप समझ सकते हैं, ये चीन के रिलेटेड है। ठीक है, ये चीन की जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता थे और मार्शल थे, राजनेता थे वहाँ के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी भी थे मार्शल, इनका नाम था जियान यिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें, जियान यिंग। तो 1958 में भारत के गणतंत्र दिवस के लिए ये मुख्य अतिथि बनाए गए थे, ये चीन से थे, कौन, ए ऑप्शन हो जाएगा मार्शल ए जियान यिंग, ये चीन से थे, इन्हें 1958 मुख्य अतिथि बनाया गया था और ये एक चीनी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और राजनेता मार्शल थी। ठीक है, अब ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं चार नंबर। चार नंबर जो है थोड़ा सा उसको हम थोड़ा सा डिम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर चार नंबर जो प्रश्न है इसमें लिखा है भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन किंगडम जो है वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं यानी कि आपका प्रधानमंत्री जो वहाँ के होते हैं उनको कितनी बार बुलाया गया है। तो इनको हम बता दें दोस्तों जो हमारे ऊपर शासन किए गए थे यानी ब्रिटेन से, हम लोग ने 5 बार इनको आमंत्रित किया है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 सही। यूनाइटेड किंगडम जो होता है दोस्तों आप समझ सकते हैं ये यूके को कहा जाता है, यूके यानी ब्रिटेन को। ठीक है, तो इसलिए आपको 5 बार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, अभी तक 5 बार बुलाया गया है। और अगला प्रश्न है ये देखते हैं 5 नंबर दोस्तों,
पांच नंबर जो आप सभी के लिए प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत में गणतंत्र दिवस परेड 2018 समारोह में मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था। तो किसे किया गया था दोस्तों, तो इसे आपको देखना होगा। आपका ऑप्शन नंबर पाँच जो दिया गया है ये आपको काफ़ी लाभदायक प्रश्न है। इसमें आपको ब्रुनेई भी सम्मिलित था, इंडोनेशिया भी और लाओस भी। क्यों सम्मिलित था, तो इसमें मैं आपको बता दूँ 2018 में जो हुआ था दोस्तों, तो इसमें एशिया के देश जो थे, ठीक है, एशियान जो थे, एशियान देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, जो आसियान है, आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। तो इसमें से कौन कौन से देश हैं, इसमें आप समझ सकते हैं ब्रुनेई भी था, इंडोनेशिया भी, लाओस था, और इसमें इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर नंबर ए डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। मैं आपको बता दूं जो इसलिए जो आसियान में आप सम्मिलित देश हैं, इसमें कुल 10 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 10 देशों के। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से थे, ठीक है, कौन कौन से हैं इस समय आसियान में। तो इसमें आपको ब्रुनेई है, दूसरा आपका इंडोनेशिया है, तीसरा आपका लाओस है, और इसके बाद आपका कंबोडिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 10 देश इसमें सम्मिलित हुए थे, ठीक है। ये आसियान कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। अगला प्रश्न छः नंबर उसे देखते हैं, वह दिया गया पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए ये आपको अगर प्रश्न सुनेंगे तो आपको बहुत चक्का हो सकते हैं, कुछ लोग तो सोचेंगे अरे पाकिस्तान को कैसे बुला लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बुलाया गया था, वह कौन थे जिन्हें बुलाया गया था, तो पाकिस्तान से जो आए थे गणतंत्र दिवस भारत को देखने, उनका हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस करके आप कमेंट बॉक्स में तब तक बता दें। तो देखिए इसमें है गवर्नर जनरल, ठीक है, ये गवर्नर जनरल कौन थे, मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। मलिक गुलाम मोहम्मद ऐसे व्यक्ति थे पाकिस्तान के, वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था या बुलाया गया था, ठीक है। ये पहले ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्हें मलिक गुलाम मोहम्मद मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आपको याद रख लें कि पाकिस्तान से भी हमारे देश में मुख्य अतिथि बने परेड में, यानी कि राजपथ में, यानी कि 26 जनवरी को। तो इसमें पहला होगा आपका, इनका नाम आ जाएगा, मलिक मोहम्मद का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब सात नंबर प्रश्न उस पर देख लेते हैं। सात नंबर प्रश्न आप सभी के लिए कि 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में के मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कि 2015 में जो थे उन्हें बताना है आपको। तो आपको अच्छे से आपको याद होगा कौन आए थे तो उस समय, और प्रश्न भी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस लिए प्रश्न पूछा गया 2015 के बारे में। देखिए जो प्रश्न होता है खासी होता है तभी पूछा जाता है। तो 2015 के जो मुख्य अतिथि बनाए गए थे गणतंत्र दिवस में, वह आपको अगर थोड़ा सा गेस करेंगे तो उस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, और इनकी काफ़ी गहरी संबंध और मित्रता थी, और इन्हीं के कहने पर 2015 में पहले राष्ट्रपति थे ये जो अमेरिका से आए थे बराक ओबामा जी, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2015 में गणतंत्र दिवस में बराक ओबामा शामिल हुए थे। अगला देख लीजिए आठ नंबर हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, हम आप मोटिवेशन मिलेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। आठ नंबर प्रश्न है उसे देखते हैं, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, अब बताएं आप कौन थे 2019 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, इससे पहले जो जस्ट हुआ है, तो आपका बताएं दोस्तों। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा दोस्तों, डी, ये फ्लासवा ओलांद, फ्लासवा ओलांद ये कौन है, ये कौन है दोस्तों, ये जो दोस्तों थे फ्लासवा ओलांद, ये आपके हो जाएंगे उत्तर, नो नो दोस्तों ये आपका फ्लासवा ओलांद नहीं होगा दोस्तों, सॉरी ये आपका हो जाएगा सिरिल रामाफोसा, ठीक है, रामाफोसा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये आए थे 2019 में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, तो 2019 में ये आए थे कि जिनका नाम था सिरिल रामाफोसा, ये आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे उस समय, अब इस समय भी होंगे, ठीक है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो आए थे, आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वह प्रश्न आप सभी के लिए है नौ नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2000 में, ठीक है, सन 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासंजो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के थे,
तो किस देश के थे दोस्तों ये पूछा है, इनका नाम दे दिया गया है और दुश्मन भी दे दिया गया है कब आए थे। तो ये किस देश के थे, तो ये नाइजीरियाई राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये नाइजीरिया एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइजीरियाई राष्ट्रपति थे। कौन, ओलेगुन ओसा ओबा संजो। ठीक है, अगला देखते हैं, 10 नंबर जो प्रश्न है वह है, 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा आपका उत्तर। ये आपको देखे अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए भी बनेगा कि ये नेपाल के राजा थे जो आए थे, इनका नाम था त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। ये 1951 में गणतंत्र दिवस परेड के दूसरे मुख्य अतिथि थे, पहले कौन थे मैंने आपको बता रखा है, एक इंडोनेशिया से आए थे और दूसरे हमारे नेपाल से आए थे। ये 26 जनवरी को हर साल होने वाले गणतंत्र दिवस में इसी तरीके का हर बार कोई ना कोई राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जाते हैं। हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में बताएंगे तो अब तक जितने राष्ट्राध्यक्ष आए हैं 1950 से लेकर 2020 तक, मैं सारी की लिस्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट्स करेंगे उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।